नमस्कार। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे डियर स्टिचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 15 है तो संख्या क्या होगा, इन सवाल को आज हम लोग सीखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। अब कहा जाता है कि किसी संख्या के एक तिहाई, तो वह तो संख्या हम लोग के पास है नहीं। उन संख्या को हम लोग किसी संख्या के एक तिहाई इका एक चौथाई बराबर 15 है। इसका मतलब हुआ वह संख्या हम लोग को पता नहीं है। संख्या क्या है, वह संख्या हम लोग को पता नहीं है, तो उन संख्या को मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर एक्स। अब कहता संख्या के का मतलब यहाँ गुना हो जाएगा एक तिहाई का भी मतलब गुना हो जाएगा एक चौथाई। तब कहता है इसके बराबर जो है 15 है। इसके बराबर जब 15 है तो वह संख्या हम लोग क्या माने, संख्या माने हैं एक्स। के का मतलब होता है गुना, तो गुना चिन्ह दे दिए एक तिहाई। इसका मतलब हुआ हम लोग कोई भाग है उसका एक भाग में टोटल एक पार्ट है उसको तीन बराबर भाग में बांटना है, तो उसी तरह से हम लोग कहते हैं एक टोटल एक प्लॉट है, मान लीजिए जमीन का एक प्लॉट है उसको चार भागों में बांटना है, तो उसको एक में क्या करते हैं, चार से भाग देते तो उसका एक चौथाई होता है। तो उसी तरह से एक तिहाई कहने का मतलब 1/3 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का हम लोग आधा कहते तो आधा कहने का मतलब क्या होता है, उन जो संख्या होता है उसमें 2 से भाग देना पड़ता। अगर मानिए कि 50 हम लोग संख्या लिए, 50 के आधा 2 से भाग देंगे तो 25 होगा। अगर हम लोग 20 लिए तो 20 का आधा 2 से भाग देंगे तो 10 होगा ना। सेम उसी तरह से तो इसमें एक तिहाई कह रहा है तो 1/3, एक चौथाई कह रहा है तो एक का चार बा एक बटा चार बराबर कहता है कि 15 है। तो यह संख्या हम लोग को फाइंड करना होगा। तो एक्स गुना क्या हो जाएगा, एक गुना एक करेंगे एक, ये जो है 3 × 4, 4 × 3 = 12 बराबर में क्या हो जाएगा 15। ये आप लोग बताएंगे हमको, आप लोग को हम आशा करते हैं कि पक्षांतर आता होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोजिंग कहते हैं। पक्षांतर जो बायां पार्ट जो है अगर भाग में रहता है तो दाहिना साइड गुना में जाता है। तो एक्स को क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक्स का मान तो हम लोग को निकालना है। तो एक्स बराबर ये 15 को पहले लिख लेंगे, ये 12 जो है भाग के रूप में है तो इधर गुना के रूप में आएगा। तो अब ये x बराबर 15 × 12 करेंगे तो हमको तो पता है, लेकिन हम इसको गुना करके आप लोग को दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 15 × 12 15 × 2 = 30 और 15 × 15 = 0 + 8 = 1। तो x का मान 180 आ गया हम लोग का, इसीलिए संख्या क्या होगा हम लोग का 180 होगा दोस्तों आंसर। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।